नमस्ते, मैं अनिरुद्ध मुखर्जी। अब तक मेरे YouTube चैनल या Facebook पेज में आप वीडियोस देखेंगे। मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनमें से कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरे मम्मी पापा, मेरे गुरुजी के परिवार में अभी जो सीनियर है उन्होंने अपना ब्लेसिंग दिया। मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि रेकी से हम लोगों को कितना सुधार हुआ, जो सब तकलीफें था कितना लाभ हुआ इसके बारे में। अब आज का वीडियो इसलिए है कि रेकी क्या है, रेकी का सिटिंग कैसा होता है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप चर्चा। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा कुछ कहूँगा। मैं अनिरुद्ध मुखर्जी बाय क्वालिफिकेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया मैंने। बाय प्रोफेशन एट प्रेजेंट एक ट्रेडिशनल रेकी हीलर हूँ। एंड बाय पैशन मैं एक हार्ड कोर स्पिरिचुअल पर्सन हूँ। अभी 15 साल हो गया मैं एक आध्यात्मिक लक्ष्य लेकर अपना जीवन जी रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरा स्कूल कहे, मेरा कॉलेज कहे, मेरा नौकरी, मैं अपने इंजीनियरिंग के पढ़ाई के बाद मैंने नौकरी किया एक प्राइवेट फर्म में, जिधर मैं फैक्ट्री मैनेजर था। मेरे अंडर परचेज था, सेल था, प्रोडक्शन था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट था, वो सब लेके मैंने काम किया। और मुझे तो रियलाइज़ होना ही था कि ये कॉरपोरेट सेक्टर मेरे आध्यात्मिक जीवन से कुछ खास बैठता नहीं, इसलिए बाद में मुझे रेकी के बारे में पता चला। तो अभी रेकी के लेकर मेरा काम चल रहा है और मैं अभी ट्रेडिशनल रेकी हीलर हूँ। और रेकी मास्टरशिप मेरा चल रहा है मेरे गुरुजी के अंडर, अभी 1.5 साल हो गया, और भी 2-3 साल लग सकता है। जिधर भी आप रेकी सीखने जाए कि रेकी लेने जाए, कुछ भी कीजिए, मेक श्योर वो ट्रेडिशनल हो। ये मेरा बताना फ़र्ज़ है क्यों ट्रेडिशनल हो, क्योंकि ट्रेडिशनल मास्टरशिप जब होता है ये कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं होता है। इसमें हाँ कुछ मनीटरी इशू तो रहता है, फिर भी इधर एक शिष्य अपने गुरु के अंडर काम करता है, 2-3-4-5-6 साल तक काम करता है, गुरु शिष्य को तैयार करता है। जब तक शिष्य उस लायक नहीं बन जाए कि वो रेकी मास्टर बने और वो रेकी सिखा सकते हैं, तब तक उसको रेकी मास्टर नहीं बना सकते। ये है एक ट्रेडिशनल एक गुरु शिष्य परंपरा। और बाकी बाजार में अभी शॉर्टकट मेथड आ गए हैं, जिधर आप कुछ दिन या कुछ महीने भर में रेकी मास्टर बन जाते हैं और वो सिखाने लगते हैं। इसमें क्या है, रेकी का क्वालिटी ख़राब होता है, रेकी बदनाम होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेडिशनल रेकी हीलर मैं हूँ, ट्रेडिशनल रेकी मास्टर जब मैं बन जाऊँगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आओगे, पर जिधर भी आप जाओगे चेक दिस इज़ ए ट्रेडिशनल, उसका बैकग्राउंड क्या है, आपको ठीक जिनिस सीखने को मिलेगा, ठीक जिनिस आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा, तो तब आप इसको लेकर आगे काम करना चाहोगे। और बाकी अगर मेरे बारे में कुछ डिटेल्स आप लोगों को देखना होगा तो आप मेरे वेबसाइट में चेक कर सकते हैं, www.aniruddhamukherjee.com। ये वेबसाइट अभी लॉन्च नहीं हुआ, मेरा काम चल रहा है, बहुत जल्द आ जाएगा, तो तब आप पूरा देख पाएंगे कि मेरे ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा, अब मेरा काम क्या चल रहा है। अब रेकी पे आते हैं। रेकी नाम दिया गुरुजी डॉक्टर मिका उशी, वो जैपनीज थे। उनको अपने तपस्या से उनको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिला, जो वो जो शक्ति मिला दूसरों को ठीक करने को, वही शक्ति हम लोग गुरु शिष्य परंपरा में उसको कैरी करते हैं। रेकी मतलब, रेई मतलब यूनिवर्स, की मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी। जीवन शक्ति हम सभी के अंदर है, हम लोग जीवित है क्योंकि जीवन शक्ति है। जीवन शक्ति को आप कॉस्मिक एनर्जी कहें, डिवाइन एनर्जी कहें, कुछ भी कहें, जीवन शक्ति कैसा है थोड़ा सा उदाहरण से हम लोग समझेंगे।
मानो एक बच्चा माँ के पेट में है, वही शरीर एक बहुत बड़ा इंसान का शरीर बन जाता है। कैसे? एनर्जी से बनता है, वही लाइफ फोर्स एनर्जी। तो वही एनर्जी जो हम लोगों में प्रवाहित हो रहा है, अगर किसी जगह में ठीक से प्रवाहित नहीं होता है, कुछ कम या कुछ हो रहा है, तो उधर बीमारी होता है, बीमार होता है वो ऑर्गन। तो फिर अगर उधर हम लोग फिर रेकी देते हैं ठीक से, तो उसका जो प्रॉब्लम है वो सुधार होता है। क्योंकि जो एनर्जी, मैंने कहा, बच्चे से बड़ा शरीर बन जाता है, जो एनर्जी दैट कैन क्रिएट दैट कैन रिपेयर ऑल्सो। तो ये रेकी कैसे काम करता है? हम लोग जो प्रार्थना करता है, हमारे हाथ में शक्ति आता है, वो शक्ति हम लोग प्रोड्यूस नहीं करता है, वो यूनिवर्स से वो शक्ति आता है हमारे थ्रू। वी आर ए रेकी चैनल, वी आर ए रेकी कंडक्टर। तो आप सोच सकते हैं, जो यूनिवर्स का, मानो सूर्य का शक्ति, तो उसको, सूर्य का शक्ति सब जगह में है, तो उधर को अगर मैग्नीफाइंग ग्लास में आप डालोगे तो वो कागज़ आग पकड़ लेगा। वैसे ही जो यूनिवर्स में रेकी का है, रेकी, उसको अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, जो कि एक रेकी चैनल हाथ रखता है, हाथ इससे टच हीलिंग हाथ रखता है, तो उधर से एनर्जी दब 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 जाता है। वो क्लाइंट को भी महसूस होता है, जो ले रहा है उसको इंस्टेंट पता चलता है कि कुछ हो रहा है, और जो दे रहा है उसको तो पता ही चलता है। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, जिधर एनर्जी का अगर कुछ कमती हो, क्या कुछ प्रॉब्लम हो, उसमें वो जाता है और उसको ठीक करता है। माने हम लोगों का अगर ये, अगर ऐसा होना चाहिए तो ज़िंदगी में बाहर में पोल्यूशन होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, तो ऐसे ऐसे हम लोग गिर जाते हैं, तो फिर उसको एनर्जी जाता है, तो उसको फिर बैलेंस में आता है। तो वो एक हॉलिस्टिक हीलिंग है, आपका फिजिकल लेवल में, आपका मेंटल लेवल में, इमोशनल लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में, कोई भी समस्या हो आप रेकी, तो वो पर्टिकुलर डिजीज के अंडर में वो रेकी सेटिंग होता है, वो अलग है। पर रेकी का मेन इशू है, जो इम्बैलेंस है उसको हम बैलेंस में रखेंगे, बैलेंस में ले आएंगे, तो वो फिर ऐसे काम करेगा। तो ये रेकी है। तो एक रेकी सीटिंग कैसा होता है? रेकी सीटिंग ऐसा होता है कि हम हाथ रखते हैं, एक सीटिंग डेढ़ घंटा कम या ज़्यादा होता है, एक बॉडी में हाथ रखते रखते जाते हैं। तो अगर किसी में कुछ ऑर्गन में स्पेशल कोई प्रॉब्लम है, कुछ रिक्वायरमेंट होता है, उसमें हम ज़्यादा रेकी देता है, तो वो ऐसे एक रेकी टिपिकल सेटिंग होता है, डेढ़ घंटा कम या ज़्यादा, तो ऐसा एक रेकी सीटिंग रहता है। तो अभी तो मेरा ऐसा ही काम चल रहा है, और ये रेकी है, रेकी ऐसे काम करता है, थोड़ा सा कुछ संक्षेप में बताया। तो हम लोग रेकी लाइफ लाइन में आप लोगों का स्वागत करते हैं। अगर आप लोगों का कुछ समस्या होगा तो हम अपने तरीके से चेष्टा करेंगे कि कुछ आप लोगों को लाभ दे पाए, और बाकी अगर आपको इधर नहीं आना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बहुत खुशहाल ज़िंदगी जिए। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज़ वेलकम। नमस्ते।